हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स डू इट विद निकी। मेरा नाम निकिता है और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है एक सैलड की रेसिपी और उसका नाम है रेडिश एंड सेसमे सीड सैलड। रेडिश और सेसमे सीड दोनों काफ़ी हाई है फाइबर में, इसलिए आप लोगों के बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी है और इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। और अगर आप इस सैलड को ठंडा भी करोगे तो ये और टेस्टी होगा। तो अगर आपको जानना है कि इसे कैसे बनाते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम वाइट सेसमे सीड्स या तिल के सीड्स लेंगे, ये 25 ग्राम है। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है और फिर इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है, क्योंकि हमें इसका नट्टी फ्लेवर चाहिए सैलड में। तो इसे फाइनली ग्राइंड मत कीजिए। इस तरह से दिखना चाहिए। अब हम 4 ग्रीन चिलीज लेंगे और इसे 2 हाफ्स में स्लिट कर देंगे। अब हम एक छोटा सा पैन लेंगे, उसे हीट कर हम 1/2 टेबलस्पून प्योर घी डालेंगे, 4 ग्रीन स्लिट चिलीज डाल देंगे, उसके बाद हम हमारा चॉप्ड रेडिश डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये रेडिश का बिटरनेस फ्लेवर थोड़ा कम हो जाए। अगर हम डायरेक्टली इसका सैलड बनाएंगे तो रेडिश का तीखापन सैलड में हो जाएगा। 2 मिनट के बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर इसमें 3/4 टेबलस्पून नमक डालें के स्वादानुसार। हम ये ग्राइंडेड सेसमे सीड्स डाल देंगे इस मिक्सचर के अंदर। फिर मैंने ढेर सारा चॉप कोरिएंडर डाला है इसमें, धनिया के पत्ते। और फाइनली हम एक नींबू का रस इसमें निचोड़ कर डाल देंगे, इससे काफ़ी फ्लेवर आएगा सैलड में। और इससे आखिर में अच्छे से मिलाइए और ये टेस्टी सैलड रेडी है। इसे आप ठंडा कर भी इंजॉय कर सकते हो, सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। So watching this video guys, if you love this recipe of this amazing and fantastic healthy salad, please press the like button and do subscribe to my channel if you haven't, and also share the recipe with your loved ones if you loved it. I will see you soon in my next video. Until then, be safe, take care, bye bye.